दोस्तों बात करने जा रहे हैं इंडिया बेस्ट डांसर सीजन 3 का सबसे हाईएस्ट स्कोर मिलने वाला डांसर जिनका नाम है शिवम बनखंडी। शिवम बनखंडी के जुड़ी बहुत सारे अनजानी बात, उनके बायोग्राफी, एजुकेशन, हाउस कलेक्शन, कार कलेक्शन, फैमिली बैकग्राउंड और उनके करियर की शुरुआत कहाँ से किया था, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। शिवम बनखंडी को गोल्डन डांसर बोलते हैं क्योंकि इन्होंने इससे पहले विनर भी रह चुके थे टू मेट का। इन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र असल डांसर में कालस मराठी टीवी में दिखाई दिया था, वहाँ पर उन्होंने डांस करते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने 2012 साल में बिगेस्ट डांसर रियलिटी शो इंडिया डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर में पार्टिसिपेट लिया था 2012 साल में, जहां पर जजेस दिखाई दिया था फारहान खान, संदीप स्पोकर, मनीष पाल और जय भानुशाली होस्ट कर रहे थे उस टाइम। उसके बाद उन्होंने दोबारा से सीट लेने को दिखाई दिया था डांस इंडिया डांस सीजन 6 में 2017 साल बाद इंडिया बेस्ट डांसर सीजन 3 में पार्टिसिपेट लिया है 2023 साल में। आप देख सकते हैं आपके सामने ही है। और इनके फुल नेम की बात करें तो शिवम बनखंडी है, होम टाउन की बात करें तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र से ही डांस सीखना और डांसिंग करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते ये ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। 12वीं तक पढ़ाई किए हैं इन्होंने। इन्होंने पढ़ाई किया था RR विद्यालय से। उसके बाद इनकी उम्र की बात करें तो 22 वर्ष की उम्र है। फैमिली की बात करें तो उनको अभी तक सामने नहीं आ पाया है। अब बात करते हैं उनका पर एपिसोड कितना पैसे मिलता है। यहाँ से इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 का मंथ से उनको पर एपिसोड के लिए 20 से 30 हज़ार रुपये दिया जाते हैं और उनके नेट वर्थ है 30 लाख रुपीज़। सो चलिए दोस्तों, आई होप ये जानकारी आपको पसंद आएंगे। पसंद तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखिए।